टेक डॉक्टर इंडियन में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके पास मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुंचेगा। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। आज मैं आप लोगों को सेमी कस्टम और फुल कस्टम डिज़ाइन में डिफरेंस बताऊंगा, और आज लोग आप लोगों को सेमी कस्टम डिज़ाइन का एक टूल जो कि मार्केट के अंदर बहुत ही प्रचलित है Xilinx, उसके ऊपर सिमुलेशन किस प्रकार किया जाता है वह बताऊंगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा वो कभी भी आपने किसी प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा होगा, क्योंकि Xilinx का अधिकतर लोग प्रयोग खाली केवल सिमुलेशन तक करते हैं और इसका सिंथेसिस किस प्रकार किया जाता है यह नहीं बताते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, जिसके बाद आपको सेमी कस्टम डिज़ाइन की फुल जानकारी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, फुल कस्टम डिज़ाइन में हम लोग क्या करते हैं, हम स्क्रैच से किसी भी डिवाइस को बनाते हैं। फुल कस्टम डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको एक कार को डिज़ाइन करना है, तो उस कार के लिए कौन सा मटेरियल लगेगा यहाँ तक भी आप लोगों को सोचना पड़ता है। लेकिन सेमी कस्टम डिज़ाइन में क्या होता है, आपके पास कुछ ऑलरेडी प्रोग्रामेबल डिवाइसेस बनी होती है, आपको उसको कनेक्ट कर करके आपको एक नई डिवाइस को बनाना पड़ता है। सेमी कस्टम डिज़ाइन फुल कस्टम डिज़ाइन के मुकाबले में कम टाइम लेता है और यह आसानी से बन जाता है। सेमी कस्टम डिज़ाइन में कोई भी नई नोवेलिटी लाने के लिए बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जबकि फुल कस्टम डिज़ाइन में कोई भी अगर आपको नोवेलिटी लानी है तो वह बड़ी आसानी से आ सकती है। सेमी कस्टम डिज़ाइन में क्योंकि यह स्टैंडर्ड सेल बेस्ड डिज़ाइन होता है, तो इसमें बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही कम पैसा लगता है। लेकिन जब भी कभी हमें फुल कस्टम डिज़ाइन करना होता है तो उसमें बहुत ही अधिक पैसा और बहुत ही अधिक समय लगता है। कस्टम डिज़ाइन का टूल जो है वह टैनर टूल है, जो कि आपको मैंने मेंटर ग्राफिक का मेरी अपनी एक अलग प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों के लिए चल रहा है। सेमी कस्टम डिज़ाइन के लिए आपके लिए मैं Xilinx टूल को लेकर के आया हूँ, और इस टूल की मदद से मैं आप लोगों को VSDL और वेरीलॉग के जितने भी प्रोग्राम्स हैं और डिफरेंट तरीकों से उन्हें किस प्रकार रन किया जा सकता है यह बताऊंगा। और यह एक बहुत ही अच्छा माध्यम होगा जिसके अंदर आप लोग VSDL को बहुत ही आसानी से प्रोग्रामिंग वे में सीख पाएंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आएगी। इसी प्रकार चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आप सबसे पहले ऑल प्रोग्राम में जाइए, Xilinx डिज़ाइन टूल 14.5 मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेविगेटर पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप प्रोजेक्ट नेविगेटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह Xilinx का टूल बॉक्स खुल करके आ जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे टिप ऑफ द डे आता है, आप इसे ओके करिए और फाइल में जा करके सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट को चूज़ करिए। न्यू प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दीजिए, यहाँ पे मैं सुविधा के लिए अपना ही नाम प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ, प्रवोन विक, और मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे VSDL ही प्रेफर्ड लैंग्वेज हो, क्योंकि यहाँ पे VSDL और वेरीलॉग दो लैंग्वेजेस को यह सपोर्ट करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक डिवाइस के को चूज़ करना है। डिवाइस यहाँ पे वो डिवाइस है जिसके अंदर आप इस प्रोग्राम को फाइनली बर्न करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई तरीके की डिवाइसेज हैं, आप यहाँ पे स्पार्टन, मैं आप लोगों के लिए स्पार्टन 3 को चूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। तो इसी प्रकार का FPGA आप कोई भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ से फिनिश करते हुए हम लोग यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे पहुँच गए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जाकर के आपको सोर्स में, प्रोजेक्ट में जाकर के न्यू सोर्स को चूज़ करना है। न्यू सोर्स में यहाँ पे देखिए, आपको VSDL वेरीलॉग कोई भी मॉड्यूल आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं VSDL की कोडिंग कर रहा हूँ तो मैं VSDL मॉड्यूल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे फाइल का नाम गेट के नाम से दे रहा हूँ, और इसे नेक्स्ट करता हुआ यहाँ पे पोर्ट को डिफाइन करूँगा। दोस्तों कोई भी पोर्ट आप यहाँ पे डिफाइन यहाँ पे भी कर सकते हैं, नहीं तो आगे आप इसको प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। तो सुविधा के लिए यहाँ पे मैंने ए बी और सी को मैं आउट बनाता हुआ नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो फिनिश करता हुआ देखिए, ये मेरे पास एक VSDL का कोड ऑटोमेटिकली बन करके आ गया। इसके अंदर आपको पता ही होगा, ऊपर लाइब्रेरी होती है, बीच में एंटिटी और आर्किटेक्चर होता है। तो आर्किटेक्चर में आपको करना क्या है, बिगन के बाद सिंपल सी इज इक्वल टू ए एंड बी, क्योंकि मैं एंड गेट की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल ये लिख करके और इसके आगे सेमी कॉलन सेव करता हुआ देखिए, मैं यहाँ पे सिंथेसिस के अंदर जा करके यहाँ पे मैं चेक सिंटेक्स करता हूँ, और यह मेरा सिंटेक्स गलत आएगा। टेक्स्ट में एरर इसलिए आई है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया है, जो कि यहाँ पे साफ दिख रहा है एक्सपेक्टिंग सेमी कॉलन। तो यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा करके इसे एक बार फिर सेव करके इसको चेक सिंटेक्स करता हूँ, और देखिएगा इस बार सिंटेक्स मेरा सही ही आएगा। ऐसे ही यह एरर टिक आपके सामने आ जाए, इसका मतलब आपका सिंटेक्स बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको करना क्या है, दोस्तों मेरे से गलती से यहाँ पे सिंथेसिस के ऊपर क्लिक हो गया, जिसकी वजह से यह प्रोग्राम चलता जा रहा है, लेकिन आप लोग इसको क्लिक नहीं करिएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप सबसे पहले VURTL पे क्लिक करिएगा, देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। VURTL पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे RTL स्कीमेटिक नज़र आएगा, इसे
स्टार्ट विद एक्सप्लोरर भी कर सकते हैं और जो बाय डिफॉल्ट आया है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी फाइल मेरे पास खुल करके आ गई। इसी तरीके से मैं टेक्नोलॉजी स्कीमेटिक पे क्लिक करता हूँ, टेक्नोलॉजी स्कीमेटिक मेरे पास खुल करके आ गया। दोस्तों इसको आप जूम करके मिनिमाइज़ करके आप ये देख सकते हैं पूरे सर्किट का टेक्नोलॉजी डायग्राम क्या है। इस पर डबल क्लिक करते ही देखिए दोस्तों यहाँ पे एंड गेट आप लोगों को नज़र आ गया। यहाँ पे आप एंड गेट की इक्वेशन, उसकी ट्रुथ टेबल और उसका के मैप भी देख सकते हैं। इसी प्रकार आप किसी भी डिजिटल सर्किट को जिसका आप सिमुलेशन यहाँ पे करते हैं वहाँ उसका आप इक्वेशन, ट्रुथ टेबल और के मैप देख सकते हैं। इसे ओके कर दीजिए और अब हम इसके सिमुलेशन करने के लिए चलते हैं। देखिए सिमुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर सिमुलेशन पे क्लिक करना है और एंड गेट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे आई सिम सिमुलेटर जो कि Xilinx का अपना इंटरनल सिमुलेटर है उस पर क्लिक, यहाँ पे बिहेवियर सिंटेक्स को चेक करते हुए सिमुलेट को क्लिक करना है। ऐसे करने से देखिए आपके सामने एक और विंडो खुल करके आ जाएगी। देखिए दोस्तों ये सिमुलेशन विंडो आपके पास खुल के आ गई। अब यहाँ पे ए बी सी आपके पास तीन पैरामीटर हैं, आपको इनको इनपुट देना है। तो ए को पहले जाकर के आप फोर्स क्लॉक करिए और इस पे लीडिंग वैल्यू 1 दीजिए और ट्रेलिंग वैल्यू 0 देते हुए यहाँ पे पीरियड में यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए 100 नैनो सेकंड दे रहा हूँ, 1000 नैनो सेकंड दे रहा हूँ और पीरियड यहाँ पर 100 नैनो सेकंड का ले रहा हूँ। और इसको लेते ही आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए और ओके कीजिए। इसी प्रकार आप बी सिग्नल पे जा करके फोर्स क्लॉक कीजिए और उसको भी इसी प्रकार वैल्यूज़ को असाइन कीजिए। दोस्तों ये वैल्यू देते ही आपको लोगों को करना क्या है, आप इस प्रोग्राम को यहाँ से रन कीजिए। रन करते ही देखिए यहाँ आपके पास आउटपुट में आउटपुट आना शुरू हो गया। अब आप इसको जूम करते हुए यह देखिए, मैं इस आउटपुट को आपको जूम करके दिखाता हूँ कि क्या आई है। देखिए यह आउटपुट को आप इस स्केल को जब आप मूव करेंगे तो इस हिसाब से इसकी वोल्टेज और इसकी रीडिंग भी आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी। यह देखिए वैल्यूज़ को देखिए, वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं जैसे जैसे मैं इस स्टाइलस को इसके रीडिंग्स के ऊपर घुमा रहा हूँ। यह देखिए यह रीडिंग भी यहाँ पे चेंज हो रही है। यह देखिए तीनों एक पे एक है, एक एक जीरो पे जीरो है, जीरो एक पे जीरो है क्योंकि एंड गेट की जो ट्रूटेबल है आप इस तरीके से यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप लोग दोस्तों अधिकतर लोग यहाँ पे अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं और वह इसके और फीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं। चलिए इसके और फीचर्स के बारे में जानें। अब आपको करना क्या है, वापस इम्प्लीमेंटेशन पे जा करके आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन सभी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक एनालाइज पावर का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पूरे सर्किट की पावर आप लोगों को दिखाएगा। यह पावर आपको देखिए यहाँ पे ये पावर को दिखा रहा है, पावर की समरी आप लोगों को दिखा रहा है। आप यहाँ से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्रेड को चेंज करके यहाँ पे पावर को भी देख सकते हैं। यह रिजल्ट्स आप अपने रिसर्च पेपर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं जो कि इस आपकी रिसर्च पेपर की वैल्यू को बढ़ा देगा। इसी प्रकार आप इसके अंदर जनरेट व्यू, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। व्यू एंड एडिट राउटिंग को क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे उसकी राउटिंग सर्किट पूरी CPLD FPGA के बारे में दिखाएगा, FPGA के बारे में दिखाएगा जिसके अंदर देखिए वो जो नीले रंग का आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारी वो डिवाइस है, केवल FPGA पूरा बोर्ड है और इसके अंदर यहाँ पे खाली केवल हमारी डिवाइस जो कि हमने एंड गेट बनाया है वह है। इस एंड गेट को हम प्रॉपर राउटिंग और इसको जूम करके इसको प्रॉपर देख सकते हैं। यही कारण है दोस्तों जब भी हमें कभी हमें अपना पर्सनल डिज़ाइन बनाना होता है सेमी कस्टम में तो हम FPGA बोर्ड का प्रयोग केवल टेक्स्टिंग के लिए करते हैं, बल्कि उसे आउटपुट में इंडस्ट्री में हमें लगाना होता है तो उसके लिए हम ASIC डिज़ाइन करते हैं। ASIC की फुल फॉर्म एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। यह आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से एक सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। यह देखिए दोस्तों केवल इतने बड़े CPLD के अंदर हमारा एंड गेट केवल एक छोटे से पोर्शन के अंदर यूज़ हुआ है।
तो कभी भी अगर आपको कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनानी है तो यह मैं कभी भी एडवाइस, कोई भी एडवाइस नहीं करेगा आपको कि आप CPLD बोर्ड को वहाँ पे लगा दीजिए। इसके लिए हमेशा आप लोगों को टेस्टिंग के लिए तो CPLD बोर्ड को आप लगा सकते हैं या FPGA बोर्ड को आप लगा सकते हैं, लेकिन जब भी आपको इसकी मास प्रोडक्शन करनी है तो आपको इसका ASIC डिज़ाइन करना ही पड़ेगा, और उस ASIC डिज़ाइन के लिए आपको फुल कस्टम डिज़ाइन पर जाना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मैं इसके और ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जनरेट पोस्ट मैप पर भी क्लिक किया है, तो क्योंकि अभी स्पार्टन किट इसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो मैं आप लोगों को प्रोग्राम को बंद करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको, आप लोगों से एक प्रार्थना जरूर कर सकता हूं कि आप इसके सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देखिए। यह आप लोगों के रिसर्च पेपर में रिजल्ट्स को ऐड करने में आप लोगों को मदद मिलेगी। देखिए यह जनरेट पोस्ट सिंथेसिस समरी है जिसके अंदर आपके सामने टारगेट डिवाइसेस और कितने LUT और क्या क्या आपका यूज़ हुआ है उस सब की जानकारी यहाँ पे समरी में दी गई है। यह समरी भी आप लोग अपने रिसर्च पेपर के अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए यह सभी समरियाँ आपके सामने खुलती आ जा रही हैं, जैसे जैसे मैं इन बटन्स पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर डिफरेंट समरीज रिपोर्ट्स आपके सामने खुलती जा रही हैं। जब मैंने मैन्युअली प्लेस्ड राउटिंग पर क्लिक किया तो उसने मुझे दोबारा FPGA पोर्ट को खोल करके दिखा दिया। यह देखिए दोस्तों, एक प्लान हेड मेरे सामने खुल करके आया है। इस प्लान हेड को जब आप यहाँ से खोलेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको FPGA की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएगा और पूरा FPGA में कहाँ पे आपका एंड गेट है वो भी दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे सुविधा के लिए इसको PDF को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यह देखिए दोस्तों, अब ये मेरे पास वो FPGA बोर्ड खुल करके आ गया जो कि स्पार्टन की पूरी किट खुल करके आ गई, का फ्रंट भी आपके सामने आ गया जो कि इसके साथ कनेक्टेड है। देखिए इसके अंदर मेरे पास ये सारे A, B और C कहाँ पे है वो इंडिकेट हो रहा है। केवल एक छोटा सा कॉर्नर इस पूरे बोर्ड का ही हम प्रयोग में ला पाए हैं, उस कॉर्नर का भी बहुत ही कम। दोस्तों इस FPGA बोर्ड के अंदर मिलियंस ट्रांजिस्टर्स डिवाइसेस होती हैं और हमने केवल दो या तीन ट्रांजिस्टर का ही हमने प्रयोग किया है। तो देखिए यहाँ पे आप इसका भी आप अपने डिवाइस, जो भी आप डिवाइस बनाएं और उसका आप स्कीमेटिक आप अपने रिसर्च पेपर के अंदर भी प्रयोग में ला सकते हैं। देखिए इसको जूम करके मैं आप लोगों को उस एंड गेट की पोजीशन को दिखाता हूँ कि वह एंड गेट कहाँ पे है। इसको जैसे मैं जूम करूँगा तो देखिए वहाँ पे आपको एंड गेट की पोजीशन, आपको कौन सा आपने यहाँ पे बोर्ड के अंदर कौन सा पोर्शन यूज़ किया है ये भी डिटेल आप लोगों को पता लग जाती है। यह बहुत ही कम लोग यहाँ तक एक्सप्लोर कर पाते हैं, तो मैं चाहूँगा जब भी आप कोई भी डिज़ाइन Xilinx के अंदर बनाएँ तो आप इसको यहाँ तक इसको एक्सप्लोर करिए और यहाँ तक जितने भी रिजल्ट्स आप निकाल सकते हैं उन सभी रिजल्ट्स को अपने रिसर्च पेपर या अपनी फाइल्स के अंदर अपेंड करिए। और आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आएगी, और इसी प्रकार की और इनोवेटिव वीडियो के साथ को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।